राजस्थान के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें 27 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दरमियान दिया कुमारी ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे 27 राज्यों के खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उदयमान खेल प्रतिभा योजना, फिट इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया खेलो, विशेष क्षेत्र खेल योजना, ओलंपिक पोडियम योजना जैसी कई योजनाओं से प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलों का महामंच मिला है। उनके प्रयासों से देश प्रदेश के होनहार और हुनरमंद युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। युवा खेलों के भविष्य निर्माण के साथ साथ अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमेशा अपने मन और दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि मन और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हमेशा मन और दिल का सुनना ठीक होता है। सपने को भूलना नहीं चाहिए, उसको जीना है और वही काम आता है। उन्होंने कहा कि मन और दिल की सुनने के बाद आप हमेशा सही दिशा में आगे जाएंगे। सपने को कभी मत भूलना और हमेशा अपने मन की सुनना, दिल की सुनना, क्योंकि दिल और मन कभी झूठ नहीं बोलता। तो एक गट इंस्टिंक्ट होता है, जो मन की बात, दिल की बात होती है, उसको हमेशा आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है, वो हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएगा। इन लोगों ने भाग लिया, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस दरमियान शासन सचिव स्कूल शिक्षा राजस्थान नवीन जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रीडा भारती गोपाल सैनी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य कबड्डी संघ तेजस्वी गहलोत, राजस्थान संयोजक क्रीडा भारती मेघ सिंह, चेयरमैन राजस्थान रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन सुरेश मिश्रा, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा निदेशक कानाराम, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस मौजूद रहे। खेल से दिया जा रहा है बड़ा संदेश। राजस्थान में युवाओं को खेल से जोड़ा जा रहा है। इस कबड्डी प्रतियोगिता से कई राज्यों के खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। राजस्थान में नई सरकार आने के बाद पहली मर्तबा युवाओं के लिए इतना बड़ा खेल का आयोजन हो रहा है।